हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी क्वीन। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने लिया है छोले, इसे आपको रात भर के लिए पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है टमाटर, प्याज, ग्रीन चिलीज, छोले मसाला, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तेज़पत्ता, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अब ये सब तो हो गया सामान डालने के लिए। अब सबसे पहले आपको मिक्सचर बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा यही भीगा हुआ काबुली चना, जो हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है। इसे भी हमें इन्हीं मसालों के साथ पीसना है। इसके साथ है ग्रीन चिलीज, इसे भी हमें पीसना है। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमारे प्याज, ये मसाला, इस मसाले में मैंने छोले इसलिए डाले हैं जिससे हमारा जो छोले का सालन रहेगा वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कुकर में ऑयल हीट कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अनियंस, अब हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने से पहले मैं इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ, इससे हमारे छोले में अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए, अब जो अनियंस हैं वो गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। छोले बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रात भर भिगोने से ये वैसे ही ये थोड़े गल जाते हैं। बस आपको सिर्फ थोड़ा 5-10 मिनट और लगाना पड़ता है कुकर में। इसे आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मोस्टली तो भटूरे के साथ ही किया जाता है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और ग्रीन चिली, इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हमारे टमाटर भी गलने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, गार्लिक, जिंजर और सबका। ये देखिए, हमारे टमाटर गल गए हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये रहा पेस्ट। अब इसे चलाएंगे। इसे चलाने के बाद हमारे जो पीसे हुए मसाले हैं वो सब भी इसी में डाल देंगे।
छोले मसाला मार्केट में नहीं मिला है, फिर भी कोई बात नहीं, आप सिंपल घर के ही मसाले से काम चला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इस मसाले को थोड़ी देर भूनने देंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए आपको पहले से ही मसाले ग्रेवी जो है वो आपको गाढ़ी दिख रही होगी। बहुत से लोग मैंने देखा है घर पे बनाते हैं तो उनकी ग्रेवी जो होती है वो गाढ़ी नहीं हो पाती है, वो इसलिए क्योंकि वो उसमें जैसे मैंने अभी चने पीसे हैं वो चने नहीं पीसते हैं। ये देखिए अब हमें इसे भूनने का वेट करना है। ये देखिए हमारा तेल ऊपर आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा हीरो काबुली चना, इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसकी ग्रेवी ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अभी इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए पानी थोड़ा इस अकॉर्डिंग डालें कि पानी कम ना हो। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, बाकी थोड़ा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। पहले से डालेंगे तो इससे क्या होगा कि कोरिएंडर की जो फ्रेग्रेंस है वो इसी में हो जाएगी। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। इसे हमें 5 to 10 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है।